ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं, लेकिन मेरी पार्टी का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। हमारी पार्टी में देखिए ये वाला सिस्टम नहीं है कि हम बायोडाटा मंगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पाटन जा रहा हूँ, वहाँ हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की, लोगों की क्या भावना है, उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नहीं भरोसा पुराना। एडवांस MRI, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 5D एंड 4D कलर अल्ट्रासोनोग्राफी, सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रशांत, आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है, चुनावी माहौल गर्मा चुका है। जो सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी है और जो विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो दोनों में जुबानी जंग भी तेज हो गई है, सियासत तेज हो गई। इस बीच में एक जो पार्टी है वो है जोगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जी हमारे साथ हैं। एक सवाल है सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कि अमित जोगी जी, इन दो पार्टियों के बीच की लड़ाई में आप खुद को कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? कि 15 साल छत्तीसगढ़ ने भाजपा का शासन भुगत लिया, पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन भी भुगत लिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस और भाजपा ने ठगा नहीं। दोनों में प्रतियोगिता चल रही है कि वादा खिलाफी में कौन आगे रहेगा। बड़े बड़े वादे करते हैं और जब सरकार में आते हैं सब भूल जाते हैं। कौन लूटने में आगे रहेगा, केवल यही कॉम्पिटिशन चल रहा है। इसलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता भी चाहती है कि आंचलिक पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को एक बार मौका देना चाहिए। हमारी पार्टी और बाकी जिन दो पार्टियों का आपने नाम लिया है उसमें अंतर केवल इतना ही है जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट फॉर्म में, कि उन दोनों पार्टियों का हाईकमान दिल्ली में है। उन्हें कुछ भी करना है दिल्ली जाना पड़ता है, लेकिन मेरी पार्टी का हाईकमान छत्तीसगढ़ की जनता है। मुझे दिल्ली में पूछने की किसी से जरूरत नहीं है। मैं अपनी हाईकमान की, लोगों की बात, जनता की बात सुनूंगा और उसके हिसाब से काम करूंगा। आप बहुत सुलझे हुए जवाब दे रहे हैं। एक सवाल और कि आपकी पार्टी कितने विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार रही है? मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में आखिर हम सबको अधिक से अधिक विधायक बनाना है। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि हमारे मत प्रतिशत बढ़े और ये सब, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि हमारे अधिक से अधिक विधायक विधानसभा के अंदर जाएं। और इसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि जो गैर कांग्रेसी गैर भाजपाई वोट है बहुत बड़ी तादाद में है, वो विखंडित ना, वो एक ही जगह पड़े। इसलिए मैं सभी आंचलिक दलों से चर्चा कर रहा हूँ और हम लोग एक, ये मेरा अपना जो सोच है, विचार है, एक गठबंधन बनाएं और 90 सीटों पर हम लोग सब मिलकर एक साथ चुनाव लड़ें। गठबंधन की बात कर रहे हैं, अरविंद नेताम जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कांग्रेस हाल ही में उन्होंने छोड़ा, पहले भी कांग्रेस छोड़ चुके थे, वापस कांग्रेस में गए, अब वापस से कांग्रेस छोड़े हैं और इस बार उन्होंने दावा किया कि वो 90 विधानसभा में उतारेंगे अपने प्रत्याशी। क्या लग रहा है कि आप, क्या गठबंधन आपका उनके साथ हो सकता है क्या? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, सभी आंचलिक दलों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये मेरे बहुत ही आदरणीय हैं, मेरे पिताजी के साथ उन्होंने अनेकों साल काम किया है, उनसे हम लोग चर्चा में हैं। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से भी, क्योंकि वो उन्होंने अभी अभी हाल ही में यहाँ एक सभा की जिसमें उन्होंने कहा कि वो विधानसभा प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या आप उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो आपके साथ शामिल हो? अभी तक तो जितनी भी मेरी चर्चा हुई है उनसे, उनके नेताओं से, वो तो यही बोलते हैं कि हम एक सामाजिक संस्था हैं, तो मैंने नहीं सुना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका। पर हाँ, जब ये बात आएगी मेरे समक्ष तो जरूर इस पर हम लोग विचार करेंगे। चुनाव लड़ेंगे ये तो देखिए, हमारी पार्टी में जो कोर कमेटी है वो तय करती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, कहाँ से नहीं, मेरी कोई ऐसी इच्छा। फिर भी क्योंकि आपके परिवार के जो सदस्य रहे हैं, आप लोगों का जोगी कांग्रेस में ऐसा रहा है कि जब भी चुनाव लड़े हैं आप लोग अच्छी स्थिति में रहे, तो इसलिए आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपका कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विधायक भेजना चाहते हैं, चांसेस जीतने के आपके ज़्यादा हैं आपकी पार्टी से,
तो आप कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहाँ से आपकी एक आंतरिक इच्छा होगी, एक मन में होती है कि मैं यहाँ से लड़के यहाँ की जनता की। हमारी पार्टी में देखिए ये वाला सिस्टम नहीं है कि हम बायोडाटा मंगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हमारी पार्टी के जो कोर कमेटी है, हम लोग जानते हैं कि कौन कितने पानी में है, कहाँ कितने पानी में कौन सा नेता है, और अपने विवेक से फिर कोर कमेटी फैसला लेती है, और जो वो फैसला रहता है उसका सब लोग पालन करते हैं। लास्ट के दो सवाल रहेंगे मेरे। पाटन विधानसभा में काका वर्सेस भतीजा लोग कह रहे हैं, क्या वहाँ पे जोगी का भी कुछ खेल चलने वाला है, ऐसा कुछ? अभी तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ, पर ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को, मतलब तीन चार दिन बाद ही, मैं पाटन जा रहा हूँ। वहाँ हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, वहाँ के कार्यकर्ताओं की, लोगों की क्या भावना है उसके अनुरूप हम लोग निर्णय लेंगे। अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी को आप कहाँ पर देखते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि भाजपा कांग्रेस के अलावा एक वो पार्टी है जो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि इस बार छत्तीसगढ़ में सरकार उनकी बन सकती है, तो आम आदमी पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? दावे करने का सबको अधिकार है। आपको क्या लग रहा है? मुझे कुछ नहीं लग रहा है।